जब इंसान अपनी वर्शिप प्लेस में जाता है तो वो अपने आप को कनेक्ट करता है और उसमें अपने आप को जो उसकी रूहानियत है उसको जो है वो उसको सुकून मिलता है। हर मज़हब अपने मुकद्दस मकामात के गिर्द घूमता है। सिख भाई जो हैं दुनिया भर में जो हैं उनके लिए अगर मक्का मदीना है तो वो पाकिस्तान और पंजाब है। हमारे पास 16 फंक्शनल गुरुद्वारा साहिबान हैं जिनमें से 11-12 वो हैं जिनमें बाबा गुरु नानक साहब ख़ुद तशरीफ़ लेके गए अपनी ज़िंदगी में। 70 साल से जो बंद गुरुद्वारा साहिबान थे 3 वो मैंने खोल दिए हैं। और जितने सिख पाकिस्तान में इंडिया से या दुनिया भर से या ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से या कुछ हिंदू जो आते हैं यात्रा करने के लिए वो इन गुरुद्वारा साहिबान की भी ज़ियारत करते हैं। तो नवंबर में बाबा गुरु नानक साहब का जन्मदिन होता है जो गुज़श्ता साल नवंबर में हुआ। हमने तो 3400 से ज़्यादा वीज़े लगाए। इसके साथ दूसरा जो मुआहिदा प्रोटोकॉल है वो अप्रैल में है, जो जिसे बैसाखी का मेला भी कहते हैं और जिसे खालसा जन्मदिन भी कहा जाता है। ये उनका मेन फंक्शन हसन अब्दाल पंजा साहब में होता है। इसमें भी इंडिया के साथ 3000 का प्रोटोकॉल है। ये अमूमन 10 दिन की यात्रा होती है, उसमें ये मुख्तलिफ जगह जा रहे होते हैं।
पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी के गुरुद्वारा हैं वो दुनिया में ऐसा सिख हेरिटेज कहीं नहीं है जितना पाकिस्तान सिख हेरिटेज के हवाले से सिखों के लिए जो है वो मुकद्दस भी है और रिच भी है। सेंट्रल पंजाब में भी जो हिंदू कम्युनिटी है वो तकरीबन 90% जो है, बल्कि 90% से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी जो है वो बाबा गुरु नानक देव जी को मानती है। उनको हम कहते हैं नानक नाम लेवा, वो भी आते हैं, वो भी थाउजेंड्स में आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जेड़े साढ़े बाहरों सिख यात्री आते हैं, इतने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एफ क्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड मिल के उन्हों की देखभाल करती है, उन्होंने वास्ते लंगर इंतजाम, रहायश के इंतजाम, सिक्योरिटी के इंतजाम जिस तरीके नाल कीते जाते हैं, तो बाहरले सिख इतने आके एक बहुत ही चंगा महसूस करते हैं, तो नाल ही वो जो अपने देशों में जाते हैं तो पाकिस्तान के वास्ते एक बहुत ही वधिया इमेज बरकरार रखते हैं। इतने कोई परेशानी नहीं है, इतने साढ़े नाल 2500-3000 संगत आई है, सारे खुश है, सारे दे अच्छे इंतजाम है। इतने 10 दिन की यात्रा है, सानू नहीं पता लग रहा कि असी अपने घर के बैठे हैं कि बाहर भी बैठे हैं, बाकी महसूस इदा हो रहा है कि असी अपने घर के अंदर ही घूम रहे हैं। ये चीज़ जी लगी है वह है थोड़ी सिक्योरिटी, जी पुलिस बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन ने, बहुत वधिया गल करते हैं, और उन्होंने पेशेंस उन्होंने मदद दिंदी है, वो बार बार रिपीट करते हैं, बुजुर्ग कई बार नहीं भी समझ पाते, बट बहुत ही वधिया ने, मैं बहुत खुशी हुई इतने आके। प्रीवियस 2 ईयर्स उसमें यात्रीज के नंबर्स में बहुत बेतहाशा इजाफा हुआ है। पहले जो फिगर जो है वो 50,000 एनुअली रहता था, वो 70,000 प्लस टच किया है हमने जो है वो रिकॉर्ड, उसमें इजाफा हुआ है। सिख कम्युनिटी को फुली फैसिलिटेट किया जाता है, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान सिखों के लिए एक पीसफुल मुल्क है। उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देना, बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई यात्री फौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी को उसके वहाँ इंडिया में भेजना, ये सारे इंतजाम हम ही करते हैं। अंगीठा साहब यहाँ नहीं था, इंडिया में ही था, अब हमने नारोवाल में अंगीठा साहब जो है उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। सब नूं दसांगे कि इत्थे दे लोकी भी बड़े प्यारे ने, बड़े प्यार नाल गल करदे ने, ते बड़ा इज्जत खातिर करदे ने, ते सानूं भी बहुत चंगा लग्या। तुसीं भी पासपोर्ट बनाओ ते तुसीं भी साडे नाल चलो। पाकिस्तान जब वो ननकाना साहब को अपना मक्का मदीना समझते हैं तो इसे वो अपना घर समझे। दास वालों उन्हां नूं यही पैगाम है कि तुसीं वध चढ़ के इत्थे आओ, पाकिस्तान दे अंदर जिहड़े गुरुद्वारे ने आप भी देखो, आप अपने बच्चों नूं भी इत्थे ले आओ। जिस तरह तो प्रचार किया जाता भी पाकिस्तान के बच्चे इदा आए, दैट इज क्वाइट रोंग। असं इतने बहुत बिल्कुल महसूस करता, घर वांगू महसूस करने। पाकिस्तान जो सिख कम्यूनिटी जी है वो सैलीब्रेटिड कम्यूनिटी है, सरदार किसी लाइन चो भी खड़ा हो तो बाकी लोग जो उस जगह करके अगे दे देंगे, खड़ा हो बिठा देंगे। लोग कह देंगे कि पाकिस्तान चंगा नहीं चाहता सिखा, पर अं जाके दसांगे भी सिखा की उन्होंने इन्नी इज्जत इन्ना माण किया कि हदों परे किया। अपनी जो उनकी नौजवान नस्लें हैं उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ और मुसलमानों के साथ जोड़ें, हम मिल के चलें दुनिया के अमन के। विजय ने विजय खत्म कर दो प्रणाली। साडा तो मसला यह है कि गौरमेंटा गौरमेंट अपनी करते रहन, साडा खोल दें रस्ते खोल दें। तुम आओ साढ़े को 2-4 दिन कट के जाओ, असं आइए थोड़े को हफ्ता रह के जाइए, शाम की रोटी लाहौर खाइए, सवेरे जाके फिर अपने लुधियाने खाइए। बाबा नानक सबदा मीत, फर्क न मंदर विच मसीत, अल्लाह वालियां दी एहा रीत, बाबा नानक सबदा मीत। उल्फत वाला चोला पाके, अपने बेगाने गल ना लाके, वंडी मिठी प्रीत, बाबा नानक सबदा मीत। फड़के वंजली उल्फत वाली, मैर वफात शफकत वाली, गौंदा मिठे गीत, बाबा नानक सबदा मीत। सच्चे सौदे बाबा करदा, सबदी दुखड़ी बाबा जरदा, पाक पवित्र ओदी नीत, बाबा नानक सबदा मीत, बाबा नानक सबदा मीत।